माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लगवा लटका दिया जाता है उनको। अब सियासी पिच पर योगी ने फेंका बाउंसर, चुनाव में कितना पड़ेगा सर? पश्चिमी यूपी के कैराना में आज योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे। मुस्लिम बहुल कैराना में योगी जमकर बोले। योगी ने अपने भाषण में पहले और अब में फर्क बताया। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि अमित शाह के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए वहां। योगी जब मंच पर अपने चिर परिचित तेवरों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी बात रख रहे थे तब नीचे बैठी जनता तालियों से उनका अभिवादन कर रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कई साल से एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी इस पर काबू पाने का दावा लगातार करती रही है। कैराना वो सीट है जहां जोरदार टक्कर की उम्मीद सबको है। कैराना से बीजेपी ने 2019 में चुनाव जीते प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन और बीएसपी ने श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की युवा उम्मीदवार इकरा हसन के माता पिता इसी सीट से पहले सांसद रह चुके हैं, भाई मौजूदा विधायक है। वहीं बीएसपी के श्रीपाल राणा राजपूत हैं। राजपूत बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं लेकिन श्रीपाल के मैदान में उतरने पर वोट बटने का खतरा अब मंडरा रहा है। इसके अलावा दलित वोट भी बीएसपी की ताकत माना जाता है। योगी की रैली से बीजेपी को उम्मीद है कैराना में फिर कमल खिलेगा। एक तरफ कैराना सहारनपुर में योगी हुंकार भर रहे हैं और पीलीभीत से अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद किया है। पीलीभीत वो सीट जहां से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को उतारा है। अखिलेश ने भाषण की शुरुआत ही बीजेपी पर तंज करके की। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत में 1996 से ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें विजेता के तौर पर मेनका गांधी या वरुण गांधी का नाम ना लिखा हो। इस बार पीलीभीत से बीजेपी का नया उम्मीदवार मैदान में है और इसी का फायदा अखिलेश उठाना चाहते हैं। आपको बता दें अगले शुक्रवार को ही पहले चरण में वोट डाले जाएंगे।